हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एज अकेडमी। पिछली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ध्यान से, एक डायग्राम को देखिए, बड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं, उनके कार्य क्या है और उनके बारे में आइए देखते। यदि मैं बोलूँ तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है पेयर ऑफ ओवरी। यदि मैं देखूँ, यदि कोई गर्ल्स या फीमेल जन्म लेती है या जन्म लेता है, ठीक है, तो लेती है, मतलब लेता नहीं, लेती है, तो उसके क्या प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ओवरी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी। ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी। देखिए दो क्या है, ओवरी है, इसी बोलते पेयर ऑफ ओवरी। समझ में आया आप लोग को? तो कहने का मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? ओवरी होते हैं। यदि मैं दूसरी बात कहूँ तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो फाइलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विस और वैगाइना। कहने का मतलब भाई जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो प्यूबर्टी स्टेट शुरू होती है, उससे क्या होता है, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाए और ओवरी से ओवम रिलीज होने लगता है। यदि ओवम रिलीज हो लगता है तो उसको यूटेरस के पास क्या पहुँचने के लिए जो भी चीज़ मदद चाहिए, जो भी रास्ता होता है, ठीक है, मतलब इस फर्टिलाइजेशन के समय, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। कहने मतलब सेकेंडरी करेक्टर तब डेवलप होता है जब प्यूबर्टी स्टेज शुरू हो जाती है फीमेल में। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं भाई, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ होते हैं। यदि मैं बोलूँ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी, देखिए पेयर ऑफ ओवरी है ना, ध्यान दीजिए क्या है, पेयर ऑफ ओवरी। अगला देखिए, पेयर ऑफ ओविडक्ट। यदि ओविडक्ट बोलो या फाइलोपियन ट्यूब, बात एक ही है, ठीक है, या बोलो ओविडक्ट या फाइलोपियन ट्यूब, क्या मतलब पेयर, तो मैंने कहने मतलब ये ओविडक्ट ये एक है एक ये, तो कहने का मतलब है भाई जो ओवरी से ओवम निकलेगा तो उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए ओविडक्ट क्या करेगा, वही रास्ता वही पहुँचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आइए देखिए यूटेरस, वही हमारा जो ये पार्ट जो हमारा क्या है, यूटेरस, ठीक है। और सर्विस क्या है, अवैगाइना क्या है? यदि मैं बोलूँ ये सर्विस है, जो नैरो पार्ट है, बहुत पतला पार्ट है, उसको सर्विस बोलते हैं। अवैगाइना क्या, ये थोड़ा वाइड जो क्या आता है, जो भाई जब रिप्रोडक्शन होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो, जब मेल क्या को इंटरकोर्स करता है, तो इसी पार्ट क्या कहता है, वैगाइना में होता है। ठीक है, समझ लीजिए क्या ये वैगाइना है, ये क्या है, हाँ सर्विक्स है, आप जानी का ये यूटेरस है, ये ओविडक्ट है। ठीक है, समझ में आया, आइए आगे देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द प्रोड्यूस जर्म सेल या ओवम। भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो क्या करता है भैया, प्रोड्यूस करता है क्या, जर्म सेल या ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम, ठीक है, एक सेल, ओके। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोस्टामा हार्मोन कंट्रोल। भाई ये क्या करता है भाई, ओवरिम क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोड्यूस करता है क्या, हार्मोन, ठीक है, ध्यान देखिए, देखिए क्या, रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूस बाई हार्मोन एंड कंट्रोल द वेरियस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी समझाएंगे। अब मेंटेन द प्रेगनेंसी, भाई जब फीमेल में हम कितने हार्मोन्स रिलीज है, दो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का क्या होता है, इवोल्यूशन जो होता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या प्रेगनेंसी में क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, समझ में आया, आइए आगे देखिए। द रिसीव द स्पर्म प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ऑफ द ग्रोविंग ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलप ऑफ द फेटस। भाई जो भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल फीमेल का, वो क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म क्या करता है, लेता है अंदर, रिसीव करता है, ठीक है भाई, इसके क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म यहाँ आएगा ना, तो रिसीव करता है कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ओके। और प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन, इसी के अंदर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, उसी में क्या होगा, अंदर फर्टिलाइजेशन, बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन भाई जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद क्या है भाई, उसको जगह देगा, तो जगह मतलब रहने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। और जब इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और डेवलप करता है, जब फिर मतलब कोई बच्चा होता है भाई, उसको भी क्या करेगा, यहाँ जगह देगा, तभी तो 9 मंथ के बाद क्या होता है, जन्म लेता है। तो भाई 9 मंथ तक रहने के लिए वो भी क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही तो रहेगा वो, उसके क्या बोलते हैं, वो भी जगह भी देता है बच्चे को रहने के लिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अब एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ओवरी की बात। यदि मैं बात करूँ तो किसकी बात करूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूंगा, जिसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी के बारे में देखिए भाई, ओवरी क्या करता है, इसका काम क्या है, उसके बारे में देखेंगे। आइए ध्यान दीजिए, डायग्राम है ये, क्या ओवरी का है,
ठीक है। और ये ओविडक्ट, भाई जो ओवरी से ओवम निकलेगा भाई यूटेरस तक पहुंचाने के लिए क्या है? रास्ता है ये हमारा, ये सेकेंडरी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ओवरी के बारे में, तो मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए यदि मैं बोलूं द पेयर ऑफ ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, भाई जो पेयर ऑफ ओवरी है तो मैंने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दे परफॉर्म द ओवम, क्या बोलते ओवम निकालता है, सिक्रेट द मेल सॉरी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कोई डाउट नहीं ना? देखिए क्या हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन प्रोग्रेस, मतलब ओवरी जो होता है वो ओवम भी निकालता है और हार्मोन्स भी निकालता है, ठीक है। किसका काम है? ओवरी काम है। अब जानते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, दो हार्मोन्स हैं, उसके बारे में बात पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे, दीज आर ओवल शेप ऑर्गन, क्या है दीज आर ओवल शेप ऑफ ऑर्गन लोकेटेड द एब्डोमिनल, भाई जो ओवरी है वो किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है, लोकेटेड बाय द एब्डोमिनल, भाई ये कह रहा है एब्डोमिनल है, तो ध्यान में एब्डोमिनल मतलब क्या, नीचे पार्ट हूँ, ठीक है, एब्डोमिनल के जस्ट नीचे, ईच एवरी ओवरी डट 2-4 सेंटीमीटर लेंथ एंड कनेक्टेड द प्लीविक वाल, प्लीविक वाल मतलब हमारा क्या होता है जो नीचे पोर्शन साइड का जो प्लीविक वाल बोलते हैं उसे क्या, ओवरी की यदि साइज बोला जाए तो 2-4 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब क्या होता है इसकी यदि साइज बोली जाए 2 से कितना होता है 4 होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है प्लीविक वाल एंड यूटेरस जो होता है वो लिगामेंट से क्या होता है कनेक्ट होता है, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं। चलिए द ओवरी इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम इनक्लोज द ओवरी ओवरियन स्टोमा, यदि मैं बोलूं ओवरी जो है जिसका वो कवर होता है वो किस चीज का बना होता है, एपिथेलियम का हुआ, और जो ओवरियन होता है उसको बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा ये दो प्रकार के होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन, कितने जोन में होता है, दो जोन में होता है, जो पहला बोलता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, यदि बोलूं स्टोमा कितने होते हैं, दो डिवाइड में होते हैं, पहले क्या होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा होता है इनर मेडुला, ओके। आइए देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, यदि मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ ध्यान दीजिए, व्हेन अ गर्ल बॉर्न, मतलब जब कोई लड़की जन्म लेती है, ओवरी ऑलरेडी कंटेन द 1000 इनमैच्योर एग, यदि कोई बेबी यदि कोई गर्ल जन्म लेती है, ब्रॉन मतलब बच्चे जन्म होते हैं, उसके क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते ही हैं, होने का मतलब कहने का मतलब है यदि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो मतलब ओवरी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो कहते हैं मतलब उसके अंदर 1000 से एक सेल होते हैं, ठीक है, क्यों कौन से होते मैच्योर नहीं होता, इनमैच्योर, भाई कोई मैच्योरिटी से स्टेट तो आई नहीं है कि मैच्योर हो जाए एक, तो क्या कहते हैं 1000 से क्या होते हैं, होते हैं एक, कैसे होते हैं इनमैच्योर होते हैं, ठीक है। अब भाई इनमैच्योर के मैच्योर कब होते हैं, देखिए रीज इन द प्यूबर्टी सम डीज अब स्टार्टिंग मैच्योरिंग, कहने मतलब जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, जब मैच्योरेशन शुरू होता है, द वन एज द प्रोड्यूस एट द टाइम इन एवरी अल्टरनेट मंथ, यदि मैं बात करूं भाई एवरी अल्टरनेट मंथ, तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो ओवरी होते हैं, ठीक है, यदि मैं डायग्राम में दिखाऊं तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए ये ओवरी है ना, ठीक है, जब ये लड़की है जब फीमेल जन्म लेती है तो उसके जो 1000 एग होते हैं इसके अंदर होते हैं अल्टरनेट, तो क्या होते हैं इनमैच्योर, जब प्यूबर्टी स्टेज है जब मैच्योरेशन शुरू हो जाता है या इवोल्यूशन शुरू हो जाता है तो वो क्या होता है तो मैच्योर होने लगता है, और कहते हैं कि अल्टरनेट एग क्या होता है, भाई मैच्योरेशन जो साइकिल होती है वो अल्टरनेट हर मंथली होती है, मतलब क्या कहने का मतलब है एक मंथ में ये आएगा दूसरे मंथ में ये आएगा, कहने का मतलब है जो एक है भाई मैच्योर हो गया, एक जो है अल्टरनेट मंथ में क्या होगा ओवरी से रिलीज होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब यदि एक मंथ में ये है तो दो मंथ दूसरे मंथ में ये होगा, ये नहीं कि पहले मंथ में हो दूसरे मंथ में होगा, नहीं, यदि मैं ईयर की बात करूं तो 6 ईयर में मतलब सॉरी 1 ईयर में 6 बार इधर 6 बार इधर क्या होगा एक रिलीज होगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग आगे समझते हैं, फिर समझ में आया, कह रहे ना द एग प्रोड्यूस बाय टाइम एट एवरी अल्टरनेट मंथ, कि ये ओवरी जो है अल्टरनेट मंथ में क्या होता है रिलीज होता है, द सेक्रेट द फीमेल सेक्स ऑर्गन लाइक द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, भाई इसका जो हार्मोन्स है वो क्या निकलता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, समझ में आया। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम देखेंगे ओविडक्ट, ओविडक्ट की बात करें तो हमारा क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, हमने ओवरी पढ़ लिया वो हमारा क्या था बताइए, हमारा क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, अब हम क्या ओविडक्ट, ये हम लोग बोलते थे फाइलोपियन ट्यूब, यदि फाइलोपियन ट्यूब के डायग्राम में आप ध्यान दीजिए तो फाइलोपियन ट्यूब में डायग्राम ये हमारा, देखिए ध्यान देंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझ में आएगा,
ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ओवरी है, क्या है हमारा ओवरी। ओवरी की आप जानते हैं क्या है, ओवम निकालना, क्या है? ठीक है, हार्मोन भी निकालता है। ओके, अब देखिए, अब भाई क्या ओविडक्ट के काम किया, मैंने कहा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ओवी से जो ओवम निकलता है उसको कहाँ पहुँचाना, यूटेरस के पास। तो ये हमारा जो पोर्शन है, ये जो फाइलोपियन ट्यूब है हमारा, क्या है ओविडक्ट है, क्या हमारा ओविडक्ट। कोई डाउट नहीं। यदि मैं बोलूं भाई ये जो ओविडक्ट है, ध्यान दीजिए डायग्राम में, डायग्राम देखेंगे समझ में आएगा, भाई जो ओवरी क्या होगी, ओवरी से ओवम निकलेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए इनफंडिबुलम देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फेब्रीज बोला जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तो ये क्या करता है, कोई एक जैसे ओवरी से एक निकला है तो उसके क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो क्या पकड़ के क्या अंदर अपने तरफ करेगा, ठीक है। जब ओवम इससे क्या होगा निकलेगा तो क्या इनफंडिबुलम से गुजरते हुए क्या एम्पुला, एम्पुला से बाद क्या स्टमक के लास्ट पोजीशन पे कहाँ चला जाएगा, यूटेरस, ठीक है। यदि मैं एक बात बोलूं तो भाई हमारा जो स्पर्म इसके अंदर एंट्री करता है, क्या करता है स्पर्म एंट्री करता है, तो क्या होगा यही हमारा क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो कहने का मतलब है यदि मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो हमारे कहाँ होता है ओविडक्ट के ही क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, या फाइलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाता है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, कोई डाउट। आइए लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा लाइन बाई लाइन, ठीक है। जो मैंने लिखाया है आप इसको अपने कॉपी में लिख भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइए मैं देखते हैं ओविडक्ट बोले या फाइलोपियन ट्यूब बोले, ठीक है, कोई डाउट नहीं, एक ही बात है हमारा, यह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि भाई ओवम को पहुंचाने के लिए यूटेरस में ले जाने, ठीक है। इज फाइलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट अबाउट कितने बार 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी ऑफ द यूटेरस। भाई जो ओवरी है ये देखिए, ओवरी से लेके हमारा यूटेरस तक जो भी इसकी क्या लंबाई है कितना 10-12 सेंटीमीटर है, कोई डाउट नहीं ना। कितने हैं 10-12 सेंटीमीटर यहाँ तो यूटेरस से टू ओवरी, ठीक है। आइए देखते हैं द पार्ट ऑफ क्लोजर आई ओवरी इन द फनल शेप इन फंडिबुलम। भाई जो ओवरी को जो कवर कर रहा है जो फनल शेप है, क्या है फनल शेप, ठीक है, फनल शेप है उसके क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं इन फंडिबुलम, जो अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है। अगला देखिए ध्यान दीजिए, यदि मैं बोलूं कि जो फनल शेप बोला हमारा क्या है इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं द फंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फेब्री। फेब्री मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो इनफंडिबुलम है इसको क्या फेब्री बोलते हैं। भाई क्या होता है ओवर, क्या होता है भाई ओवरी से जो ओवम निकलेगा उसको क्या कलेक्शन करे, मतलब पकड़ेगा ले जाएगा। द हेल्प इज द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर इवोल्यूशन। क्यों भाई जब इवोल्यूशन होता है भाई ओवरी से ओवम निकलेगा वो किसका ना जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या करते हैं ओवम क्या करे कलेक्ट करेगा पहुंचाएगा। कैरी ओवम या एग बात एक ही है, या ओवा बोलो या एग बोलो या ओवम बोलो बात एक ही है। फ्रॉम द ओवरी टू यूटेरस, भाई जो है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ से ओवम लेगा और यहीं से लेकर चला जाएगा कहाँ तक जाएगा यूटेरस तक, ठीक है। इसका काम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। यदि मैं बोलूं अभी बताएं यहाँ के पास क्या हमारा फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो कहने का मतलब है कि जो ये प्रोजेक्शन है जो ओविडक्ट है ओवरी से लेके यूटेरस तक क्या करता है ओवम को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस यही पास क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। आइए द इनफंडिबुलम लेड टू वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। यदि वाइडर पार्ट की बात करूं तो देखिए एम्पुला जो इनफंडिबुलम वाइडर पार्ट मतलब बड़ा है तो क्या है ना समझ में आया। द पार्ट लास्ट पार्ट आर द ओविडक्ट स्टमक एंड द नैरो लुमेन एंड द जॉइंट टू यूटेरस। अब भाई ये जो हमारा यो ओविडक्ट का जो लास्ट वाला पार्ट है ये क्या पतला है ना यहाँ पर और किस कहाँ जा कनेक्ट है यूटेरस पास है, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए दीज आर ओपन टू यूटेरस फ्रॉम द बोथ साइड। अब ये भाई बोथ साइड बोल रहा है तो बोथ साइड का मतलब है जो डायग्राम आप देखिए समझ में आएगा। देखिए ये हमारा डायग्राम है एकदम, ठीक है, ओविडक्ट का ये हमारा क्या है ओविडक्ट है ना। देखिए ओविडक्ट हमारे पास क्या दो है ना, इधर भी है एंड इधर भी है, ठीक है। तो भाई जो है ना ये ओविडक्ट है यहाँ कनेक्ट है ना, यहाँ भी एक यहाँ थी तो दो है ना, इसीलिए वो क्या है वो साइड क्या होता है कनेक्ट होता है। ओके कोई डाउट
ठीक है, आई होप हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो हमारी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए।